हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने उसकी पूरी रेसिपी तो आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने मतलब ये आटा को गून लिया है और मैंने आलू भी बना ली थी, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको उबाल के पीस लिया था और इसमें मैंने धनिया, मिर्चा और नमक बस डाला हुआ है। आप लोग चाहे तो और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि भुना जीरा और मतलब नमक काला वाला, और आप लोग इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। बस मेरे पास उतना कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ धनिया, मिर्चा और इसमें नमक बस डाला हुआ है बस, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो हम चलते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तावा चढ़ा दिया है, मेरा तावा गर्म भी हो चुका होगा। तो अब हम इसको बेल लेंगे। ₹1 ये देखिए, मैंने इस तरह से ली हुई है। इसमें थोड़ा पैथन लगा लेंगे, थोड़ा सा हम पहले अभी बेलेंगे, फिर इसके बाद इसमें हमको आलू भी भरनी होगी। तो मैंने थोड़ा बड़ा नहीं बेला है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा बेला है कि मैंने इसमें आलू डाल ली है। मैंने डालते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। कढ़ाई दे दो तो सब्जी खाली करती, खराब हो जाएगी। ठीक है, देखिए मेरा। तो अब हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। तो हम इस पे डाल दिए हैं, अब हम दूसरा इसी तरह बनाएंगे। मैंने सब्जी बना के रख ली थी, आलू मटर की सब्जी बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी मेरे घर में। तो इसी मैंने जैसे पहले बेला था उसी तरह मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा बेल लूंगी। और अब हम इसमें आलू भरेंगे। ये देखिए इस तरह भरेंगे, ये कुछ इस तरह से इसको ले लेंगे। और अब हम इसमें मैं इसको एक बार पलट के देख लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी ये नहीं हुआ है, शायद हो गया है। ये देखिए अब इसमें इसको अभी इस तरह करके इस तरह पलट लेंगे। और इस तरफ होने के लिए आज को थोड़ी बढ़ा देंगे, थोड़ा इस तरफ भी रिफाइंड लगाएंगे। और इसको अब हम ऐसे से करके भर लेते हैं, अभी तो वो इसको इसके अंदर हम भरेंगे कुछ इस तरह से। इसको साइड रख लेते हैं और इसमें थोड़ा पैथन लगा लेंगे बेलने के लिए। और अब हम इसको ऐसे बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से ताकि ये फटे ना। इस तरह से हल्के, तो ये देखिए मेरा कितना अच्छे से लाल हो गया इस तरह। तो उसी तरह मैं इसको दूसरा भी करूंगी।
जब तक मेरा ये हो रहा है तब तक हम दूसरी लोई बना लेंगे और हम इसको पलट देंगे इस तरह से और हम इस साइड भी हल्का लगाएंगे, हम ज्यादा नहीं लगाएंगे। ये देखिए इसको भी मैंने इसमें भी ऐसे ही पैटर्न लगा लेंगे और इसको भी ऐसे ही ले लेंगे। ये देखिए मेरा ये वाला तरीका कितना अच्छे से हुआ है, ये अच्छे से लाल हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पराठा रेडी हो गया है और मैंने सब्जी बना के भी रखी थी। तो ये देखिए इस तरह सब बनके एकदम स्वादिष्ट पराठा तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस पराठा को आप चाहे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा चाय के साथ अच्छी लगती है। एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पराठा कैसा लगा, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप लोग को पराठा पसंद है तो प्लीज़ हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच, बाय।